तो सबसे पहले साथियों, आज की यह साइकिल यात्रा 50 किलोमीटर की होने वाली है। आज हम जाने वाले हैं सुल्तानपुर से पापड़ घाट, जहां मरी माई का एक प्राचीन मंदिर है। साथियों, ये फुल वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बनाता हूं जो अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा समझ रखते हैं, जिन्हें कंटेंट के नाम पर कोई भी गंध देखना पसंद नहीं होता, बल्कि वो कुछ साफ सुथरा ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं जिससे उन्हें कुछ सीखने समझने को मिले। तो आप यदि इस तरह के व्यक्ति हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथियों, पापड़ घाट जाने के लिए सुल्तानपुर से बनारस मार्ग पर आगे बढ़कर आप पापड़ घाट किसी से भी पूछ लेंगे तो सब बता देंगे। गूगल मैप की आपको जरूरत नहीं है। पंछा बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, गाते गाते मैं पहुंचने वाला हूं मरी माई के मंदिर पर। लेकिन उसके पहले हमको ये थोड़ा सिनेमैटिक जगह लगी, तो हम रुक कर यहां का मुआयना करने लगे, और मुआयना करने के बाद तब आगे बढ़े। साइकिल से चलने का यही फायदा होता है, आप जगह जगह जहां अच्छा लगे रुक सकते हैं। खैर, आगे बढ़कर हम आ गए मरी माई के धाम पर, जहां आज छोटा मोटा मेला जैसा लगा है, जहां चाट, चाउमीन, जलेबी, टिकुली, बिंदी, चौका, बिलना, चिमचा, थरिया, गिलास सब बिकत है। और बगल में है मरी माई। मरी माई कौन थी जिसको पता है कमेंट करके बताए, जिसको नहीं पता वो जान ले। जब सीता माता धरती के अंदर समा गई तब से उन्हें मरी माई कहा जाने लगा। तो हमने अंदर जाकर मरी माई का दर्शन किया। जिस हिसाब से यहाँ घंटे घंटियाँ बंधे हुए हैं, ये मंदिर आसपास के मंदिरों से बहुत सिद्ध और समृद्ध दिखाई पड़ता है। आस्था देखिए भक्तों की, अच्छा कहिए बुरा कहिए, तमाम लोग इसे ढोंग अंधविश्वास भी कहते हैं, पर मेरा मानना है कि इतने घंटे घंटियाँ इस बात का परिचायक हैं कि इतने लोगों ने कम से कम यहाँ पर आकर अपनी अर्जी लगाई है। इतने लोगों की ऊर्जा यहाँ के वातावरण में मौजूद है, और इस धरती पर सारा खेल ऊर्जा का ही है। शायद इसीलिए हमको मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिदों में जाने से शांति मिलती है। खैर, यहाँ का पूरा मुआयना निपटाने के बाद अब आगे बढ़ेंगे पापड़ घाट का मुआयना करने, और अब यहाँ का मुआयना करेंगे। और मुझे शौक है घाट घाट का पानी छूने का, तो जाकर मैंने पानी को स्पर्श किया। पानी बहुत ठंडा है, और इसके बाद बाहर निकलकर कुछ ज्ञान की बात हो जाए। तो साथियों, गांव के जो ऐसे स्थान होते हैं, दिखा दीजिए जंगल आसपास में, जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर खूब सारे पेड़ हो, घने घने हरे हरे, और नदी का किनारा हो, और कोई मठ मंदिर आश्रम हो, ये जगहें मुझे विशेष रूप से बहुत रोमांचित करती हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि शहर के इर्द गिर्द के 20, 25, 50 किलोमीटर में जो भी ऐसे मठ मंदिर आश्रम हैं उन पर जा कर के मैं दर्शन करूँ। और इसके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपको यात्रा करनी है तो सबसे पहले जो आपके घर के सबसे नज़दीक के मठ मंदिर आश्रम या दर्शनीय स्थल है वहाँ पर जाएँ, और वोकल फॉर लोकल, ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी ने भी ऐसा कहा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि अजर्नी बिगिंस फ्रॉम होम, एक जो यात्रा होती है आपकी वो हमेशा आपके घर से शुरू होनी चाहिए। जब भी आपका मन करे घूमने की, तो इस तरह से जो भी स्थान है जहाँ पर आकर के आपको शांति मिले, आपको ऐसे स्थानों पर आना चाहिए। जय श्री राम। इसके बाद हमने वापसी की, तो रास्ते में बाल गोपाल क्रिकेट खेलते दिख गए, जिनको देखकर याद आया मैं भी बचपन में राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करता था और ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेता था। तो उस याद को एक बॉल खेलकर ताज़ा कर लिया, और जान हथेली पर रखकर साइकिल इन बाल गोपालों को देनी पड़ी। 22,000 की साइकिल है मलिंगा भाई। अगर यह वीडियो आप अब तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर कर दें, और अपना प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल सके।